लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित 6,800 अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और इन्हीं अभ्यर्थियों से मिलने अपना दल किमीरवाती की विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंची, जहां पल्लवी पटेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और पल्लवी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में आरक्षण को लेकर विसंगतियां हो रही हैं। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर पीड़ित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 3.5 महीनों से इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं और न्याय की उम्मीद इस प्रदेश सरकार से कर रहे हैं, आज हम उनका सहयोग मांगने आए हैं और इसलिए मांगने आए हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे इस किसान कमेरा मजदूर पिछड़े समाज जहां पर भी काम करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की एक इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां हर तरीके से आरक्षण को ताक पे रख करके विसंगतियां हो रही हैं। और ऐसे में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सभी छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके परिवार और जिनका भविष्य इफेक्ट हो रहा है, हम उनसे कहने आए कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और आज जैसे आपके सहयोग में हम खड़े हैं, इससे ये शिक्षा लीजिए और इससे संकल्प लीजिए कि आगे हमारे समाज को जहां कहीं भी किसी भी छोर पर ऐसे न्याय के अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, वहां आप भी उतनी ही तत्परता से और उतनी ही गर्मजोशी से उतने ही साहस के साथ सहयोग में खड़े होंगे, ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना, उसको हम कर पाए और उसी को लेकर के लगातार चल रहे हैं और इनके साथ उनकी हर लड़ाई में जहां पर भी ये हमारा सहयोग चाहेंगे, हम इनके साथ पुरजोरी से अपना दल कमेरावादी खड़ा रहेगा।